सुबह की ताजगी से लेकर देर रात तक रहते हैं हम मुस्तैद, ड्यूटी और अनुशासन से नहीं करते किसी भी तरह का समझौता, खबरों की बारीकियां हो या फिर राजनीति के पीछे का खेल। सरकार और प्रशासन के कानों तक टीवी 45 की आवाज को पहुंचाने के लिए खनिज संपदाओं की लूट हो या फिर जमीन पर अवैध कब्जा हो, कोयलांचल के कोयला तस्कर हो या कालाबाजारी करने वाले माफिया, तनाव के हर माहौल में भी हम लेकर आते हैं हर खबर सबसे पहले। रखते हैं हम खबरों की दुनिया में सबसे आगे अपनी पैनी नजरें। जब ना हो रही हो कोई भी कार्रवाई तो खबर को प्रमुखता से दिखाने का रखते हैं हम संकल्प। बिना रुके, बिना थके, बिना डरे, बिना झुके हम पहुंचाते हैं आम जन तक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। हमारे इस नए कार्यक्रम के जरिए हम लेकर आते हैं अपने दर्शकों के लिए झारखंड के गांव गांव शहर शहर चप्पे चप्पे की हर वो खबर जिसमें होती है कालाबाजारी, उस कालाबाजारी में जिनकी भी होती है अदाकारी, उन अहंकारी अदाकारी करने वालों को मौन समर्थन देने वाले अधिकारियों पर जब तक नहीं गिरती कोई गाज तब तक हम हरगिज नहीं झुकेंगे। तो अब ब्रेक थ्रू फॉर्मेट में स्पष्ट तरीके से बेखौफ, निर्भीक और आक्रामक अंदाज में टीवी 45 के जरिए मैं पहुंचाऊंगा आप तक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में आज एक बार फिर से हम आ चुके हैं। दामोदर नदी से बेधड़क निकाली जा रही रेत और पुलिस की चुप्पी से मालामाल होते जा रहे अवैध धंधेबाज। दामोदर नदी से खुलेआम बालू की तस्करी होती है, पुलिस प्रशासन को इसकी खबर भी होती है और बावजूद इसके जो नहीं होती वो है किसी भी तरह की कोई कार्रवाई। पुलिस की चुप्पी के कारण नदी से बेधड़क रेत निकाली जाती है और हां रात की तो कौन क्या ही कहे, अब तो तस्कर दिन दहाड़े दामोदर नदी से बालू निकालते नजर आते हैं। अरे आपको क्या लगता है पुलिस सबको जानती नहीं, विभाग को सब कुछ मालूम नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं होती और इससे अवैध धंधेबाजों का मनोबल ऊंचा होता है। तो क्या अब हम यह मान लें कि निकम्मी पुलिस के कारण जिले में बढ़ रहा है अपराधियों का मनोबल? क्या हम यह मान लें जिले में भ्रष्ट अधिकारियों का जमावड़ा होता चला है? क्या अब हम यह मान लें अफसरशाही के चरम पर रहने के कारण न्याय मिल पाना मुश्किल हो चुका है? अरे कैसी कानून व्यवस्था है भाई तुम लोगों की? झारखंड में मेरे जैसे नौजवान रोहित शेट्टी की फिल्मों में देखते और सुनते हैं कि भारत की पुलिस तो देश की सुरक्षा और आंतरिक अपराधों की गतिविधियों से निपटने के लिए लगातार संघर्ष करती है, लेकिन असल जिंदगी में क्या झारखंड पुलिस कायर और निकम्मी है? और अगर ऐसा है तो कौन और क्यों करेगा पुलिस अधिकारियों का कोई सम्मान जो देश की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि अपराधियों की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी को लगाने को तैयार है? क्या कुछ है पूरा मामला, इस पर विस्तार से होगी चर्चा। सबसे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। अवैध कारोबारियों को थानेदारों का संरक्षण प्राप्त, डीसी और एसएसपी के आदेशों की खुलेआम उड़ रही है धसिया। थाना के सामने से गुजर रहे अवैध बालू और लोहा लदे वाहन, पुलिस चेक पोस्ट बन गया है शोभा की वस्तु। सीएम के आदेश पर गठित टास्क फोर्स भी अवैध कारोबार रोकने में विफल। धनबाद में एसएसपी महोदय एक और अवैध कारोबार पर पूर्ण विराम लगाने के लिए बैठक करते हैं, तो दूसरी ओर उन्हीं के इलाके के थानेदार उनके आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं। स्क्रीन पर चलती तस्वीर है धनबाद जिले के बाघमारा और बरोड़ा थाना क्षेत्र की, और ये वाहनें जो पार हो रही हैं, उनमें लदे हैं अवैध बालू और लोहा। एसएसपी के आदेश के अनुसार ऐसे सारे वाहन पुलिस के जब्त में होने चाहिए, लेकिन यहाँ आदेश पर लालच भारी है। दरअसल एनजीटी के आदेशों अनुसार हर साल मानसून में कैटेगरी 1 बालू घाटों से बालू उठाव दर्शून से 15 अक्टूबर तक प्रतिबंधित रहता है। संदर्भ में आदेश सभी संबंधित मुखिया, उप मुखिया, पंचायत सचिव
पंचायत स्तर समिति के सदस्य को आदेश निर्गत किया गया है। नियमानुसार यह आदेश सभी पुलिस थाना तक भी पहुंच गई है। साथ ही सीएम चंपाई के आदेश पर अवैध उत्खनन, अवैध ट्रांसपोर्टिंग और अवैध भंडारण को रोकने के लिए जिले में टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। बावजूद इसके बाघमारा अनुमंडल क्षेत्र में दामोदर नदी से बालू की तस्करी धड़ल्ले से जारी है। इस बालू का भाटडीह हीरक रोड के किनारे जंगलों में भंडारण भी किया जा रहा, जिसे मानसून के मौसम में उचित दामों में बेचा जाएगा। कारोबारियों की सक्रियता को पुलिस की नजर नहीं लग रही है, या फिर पुलिस जानबूझकर आंख बंद किए हुए है। अवैध कारोबार पर नकेल कसने के लिए 2016 में निर्माण किए गए पुलिस चेक पोस्ट पर ताला लटका हुआ है। साथ ही पुलिस की ओर से पेट्रोलिंग भी सीमित समय तक की जाती है। दामोदर नदी के डूंगा घाट और कुंजी घाट से प्रत्येक दिन दर्जनों ट्रैक्टर बालू का अवैध निकासी कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो बरोड़ा थाना क्षेत्र में होने वाले अवैध कारोबार का जिम्मा थाना के छोटे बाबू प्रजापति अपने कंधों पर उठा रखे हैं। एनजीटी का प्रतिबंध 10 जून से शुरू हो चुका है, उसके बावजूद अवैध बालू उठाव और भंडारण का काम तेजी से चल रहा है। लगभग 3 महीने तक ठप रहने वाले अवैध बालू सप्लाई कारोबार के दौरान अवैध सप्लाई से बालू कारोबारी अपनी और अधिकारियों की जेब भी गर्म करते हैं। अब इसमें किसका फायदा और किसके राजस्व का नुकसान, ये तो बरोड़ा और बाघमारा थाना पुलिस खूब समझती है। धनबाद से TV45 के लिए विनोद रोचक की रिपोर्ट। तो देखा आपने हमारी इस रिपोर्ट में किस तरह से अवैध बालू का ये खेल खेला जाता है। एक और जहां धनबाद पुलिस कप्तान जिले की सभी थानेदारों के साथ में समीक्षा बैठक करते नजर आते हैं, और दूसरी ओर जिले के बाघमारा अनुमंडल स्थित थाना क्षेत्र में और बाघमारा थाना क्षेत्र में क्राइम का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। चाहे वो मामला अवैध कोयला खदान संचालन का हो, अवैध कोयले के कारोबार का हो, अवैध बालू के कारोबार का हो, या फिर BCCL के किसी भी तरह के अवैध काम का हो। आखिर कैसे धनबाद उपायुक्त के आदेशों की बार बार लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही है, ये आज एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता भी हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से ये काला खेल जो है वो खेला जा रहा है। लगातार पुलिस ये कहती है कि हम छानबीन में जुटे हुए हैं और लगातार तफ्तीश कर रहे हैं कि आखिर क्यों ये काला खेल चल रहा है। लेकिन हैरानी की बात है कि पुलिस अधिकारी सिर्फ कार्रवाई की बात करते रह जाते हैं, लेकिन उनकी कार्यशैली पर लगातार सवाल उठता नजर आता है, क्योंकि उनकी कार्रवाई सिर्फ दिखावे की होती है और इसीलिए तो यह काला खेल लगातार चलता ही जाता है, फलता फूलता रहता है। और जो माफिया है, जो कारोबारी है, अवैध उत्खनन करने वाले, कालाबाजारी करने वाले, वो धड़ल्ले से मोटी कमाई करते हैं। तो क्या अब हम ये मान लें ये सारा काला खेल जो है इन्हीं पुलिस अधिकारियों के, मैं तो कहूंगा भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के संरक्षण में होता है? क्योंकि अगर ये वाकई में कार्रवाई करते, अगर वाकई में इनका खौफ, इनका डर अपराधियों में, माफियाओं में होता, तो फिर ये काला खेल नहीं खेला जाता। लेकिन अगर जो ये काला खेल लगातार खेला जा रहा है, तो बार बार TV45 ये सवाल करेगा, हरगिज झुकेगा नहीं, और सवाल ये कर रहा है पुलिस प्रशासन से, प्रशासनिक अमले से, कि आखिर क्यों बार बार खबर को दिखाने के बाद भी ये गंदा धंधा रुकने का नाम नहीं लेता है। आखिर कब तक ये माफिया लोग कालाबाजारी करते रहेंगे और किसी से भी डरेंगे नहीं? क्या ये पूरा खेल सांठगांठ से हो रहा है? और अगर हो रहा है तो कब तक होता रहेगा? क्योंकि इस काले खेल को लेकर राजस्व का जो करोड़ों का नुकसान हो रहा है, उसका जवाब आखिर कौन देगा? क्या राजस्व को क्षति लगातार पहुंचाने का काम प्रशासन करता रहेगा? क्या इसी तरह से भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों की खराब कार्यशैली के कारण बेखौफ होकर गंदा धंधा झारखंड में होता रहेगा? और झारखंड क्या यूं ही बदनाम होता रहेगा? यह एक बड़ा सवाल है और हम चाहेंगे
उस रिपोर्ट में आप जानने समझने की कोशिश करें कि आखिर किस तरह से यह खेल खेला जा रहा है और क्या है यह पूरा मामला। तस्वीरों के नजरिए से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से यह काला खेल जो है वो चलता जा रहा है। लगातार बार बार हमारे संवाददाता खबर को दिखा रहे हैं और उसके बावजूद भी और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए धनबाद से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद रजक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देखिए बालू उठान के कई नियम होते हैं, नदी में 3 मीटर तक गड्ढा करते हुए उठान करना होता है और उससे ज्यादा गड्ढा करने पर विनोद खनन अधिनियम के तहत ठेकेदार पर कानूनी कार्रवाई की जाती है और बालू उठाने के क्रम में गड्ढे में अगर पानी आ जाता है तो खुदाई को बंद करना होता है। लेकिन विनोद दामोदर नदी तट पर अवैध बालू का लगातार स्टॉक जो है वो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, क्या कोई बालू उठाव के नियम है भी या नहीं यहां के लिए, विस्तार से बताएं। ये ऐसा है कि अभी धनबाद उपायुक्त के द्वारा एक निकाला गया था आदेश, जिस आदेश के तहत, जिसे एनजीटी कहते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसके तहत बालू का उठाव जून से लेकर अक्टूबर तक नहीं करना था, लेकिन उसके बावजूद भी जो बालू माफिया है अवैध तरीके से धड़ल्ले से बालू का कारोबार को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं, जिसे देखने वाला कोई नहीं है जिला में। खनन विभाग भी इस पे कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहा है। खनन विभाग जाता है, कोरम पूरा करता है, एक दो ट्रैक्टर को वहां पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद केस करते हैं, उसके बाद मामला खत्म हो गया, फिर 2 दिन बाद फिर काम शुरू हो जाता है जी। लोकेश तो ये कहानी पूरी बता दी, लेकिन विनोद राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा प्रत्येक जिले में अवैध उत्खनन, अवैध ट्रांसपोर्टिंग, अवैध भंडारण को रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन भी तो किया जाता है विनोद, जिसके लिए जिले में अध्यक्ष उपायुक्त होते हैं और अंचल में अंचल अधिकारी होते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि इन सबके बावजूद भी खनन विभाग की आंखों में अवैध कारोबारी के खिलाफ काली पट्टी बंधी हुई है। खनिज नियमावली के अगेंस्ट जाने पर खनन विभाग द्वारा कोई भी कानूनी कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की जाती विनोद? जी, जैसा कि टास्क फोर्स के बारे में आपने बताया तो मैं बता दूं इस संबंध में कि दिनांक 20/4/2023 को जिला खनन पदाधिकारी के पत्रांक संख्या 802 धनबाद है ना, दिनांक 8 जून 2024 के तहत जिले के सभी अंचलाधिकारी को यह निर्देश दिया गया था कि एनजीटी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के तहत ना 120/2/2016 ईजेड रिजवान वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड में पारित आदेश में 17 अक्टूबर 2016 को सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन के तहत मानसून अवधि यथा प्रत्येक 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू घाटों पर बालू का उठाव प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में उपायुक्त ने आदेश का ज्ञापन संख्या 542 दिनांक 20/4/2023 को कंडिका 8 के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया था। इसलिए मानसून सत्र में कैटेगरी 1 बालू घाटों से बालू उठाव नहीं करने के संदर्भ में सभी संबंधित मुखिया, उप मुखिया, पंचायत सचिव, पंचायत स्तर समिति के सदस्य को आदेश निर्गत किया गया था। उसके बावजूद भी जिले में मुख्यमंत्री के द्वारा प्रत्येक जिले में है ना अवैध उत्खनन, अवैध भंडारण और अवैध ट्रांसपोर्टिंग को रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया जो फाइलों तक सिमट कर रह गया है। विनोद आपने कहा कि फाइलों तक सिमट कर रह चुका है, लेकिन देखिए बालू का काला खेल खेलने वालों पर केंद्रीय एजेंसियों का शिकंजा जो है वो जाने कब कसा जाएगा, जाने कब रडार पर होंगे भ्रष्ट आईपीएस पुलिसकर्मी और कारोबारी। लेकिन टीवी 45 हर कोने में फल फूल रहे बालू के काले कारोबार पर अपनी मुहिम को तो चलाता रहा है, माफियाओं की हर नब्ज को टटोलने में टीवी 45 पीछे नहीं हट रहा है, सवाल उठाता रहा है। क्या अवैध उत्खनन पर रोक लगाने में पुलिस जो है वो नाकामी नजर आएगी क्या? जब जब माफियाओं के हौसले बुलंद रहेंगे क्या तब तब पुलिस लगातार चुप्पी साध कर रखेगी क्या? जहां तक पुलिस की बात है तो 2016 में धनबाद एसएसपी के द्वारा जिले के सभी थाना क्षेत्रों में चेक पोस्ट का निर्माण किया गया था और अभी मैंने जब उन चेक पोस्टों का निरीक्षण किया, मुआयना किया, तो सभी चेक पोस्ट बंद मिले, किसी में कोई वहां पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं है, कोई गार्ड मौजूद नहीं है। इसलिए जो माफिया है, बालू माफिया, उनको बालू ले जाने में सुविधा होती है। सुबह 3 बजे से लेकर दिन 11 बजे तक धड़ल्ले से बालू ट्रैक्टर से रोड में चलता है और इसके रोकने वाला कोई नहीं, जबकि थाना के सामने से पार हो रहा है, बागमारा थाना के सामने से बालू पार हो रहा है, बरोड़ा थाना एकदम रोड के किनारे, वहां से बालू पार हो रहा है,
पुलिस के नजर के सामने इस बार हो रहा है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। कहीं ना कहीं इसमें ऊपर के अधिकारियों की मिलीभगत के कारण ये सारा खेल चल रहा है। ठीक है विनोद, धन्यवाद तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए।